हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गया सडनली, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ अभी बलिया में ही, और बलिया स्टेशन हमेशा पीछे से शूट करता हूँ, वहाँ मेन फ्रंट, बट ये सबसे मेन फ्रंट दिया है जो इसको दिखाना मैं भूल जाता हूँ हर बार, तो बस इस बार यहीं से शूट कर रहा हूँ। सो इस बार मैं दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया, ना किसी ने दिखाया होगा, तो कुछ यूनिक ही शूट होगा इस बार। और इस बार देने वाला हूँ कुछ अपडेट प्लेटफार्म नंबर 4 के बारे में। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि हर स्टेशन का पहचान बड़ा है कि छोटा है उसके प्लेटफार्म से ही होता है, तो हमारा भी बलिया में कुछ प्लेटफार्म्स की वृद्धि हो रही है, तो चलिए ये भी कवर करने वाले हैं और मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। सो अगर आप पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं, पिछले ब्लॉग में हमने कवर किया था प्लेटफार्म नंबर 4 के ट्रैक्स को, और ट्रैक्स की वजह से बन रही थी ब्रिज कटर नाला, तो मैंने उसको भी कवर किया था। तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए और कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आए हो तो। चलिए, आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग एंट्री कर रहे होंगे गाड़ी फोर व्हीलर से, तो वो उसके लिए एक वो गेट है वहाँ पर, और एक दूसरा गेट उधर है, और बीच में ये एक मॉडल है ट्रेन का, पुराना मॉडल। तो ये देखिए, बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये इसका आगे सिग्नल भी लगा हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, काफ़ी मेंटेनेंस है। बट जो इसका ग्राउंड है, ये पार्क का व्यू, ये फाउंटेन भी है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है, बट आई होप बहुत जल्द इसमें भी काम लगेगा। ये थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये सबसे फ्रंट व्यू है जो दिखता है हमें और हम सबको हर एक स्टेशन पे, बट यहाँ पे अभी इसमें काम अभी स्टार्ट नहीं है, अभी तो मेन काम चल रहा है। और ये हमारा नेशनल फ्लैग, तो इसी बात पे जय हिंद कमेंट करके लिख दीजिएगा। चलिए, सो गाइस, आज कुछ है स्पेशल यहाँ पे, तो देखिए फ्री में बट रहा है कॉफ़ी और चाय। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे, पहले आप आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे वो था पहले, क्या बोलते हैं, रेलिंग टाइप, सो सब टूट गया है, पूरा फ्री हो गया ये सब। और ये देखिए, तो आगे भी नया नया, अगर आप लोग 10 दिन या 20 दिन पहले का आए हैं, तो अगर आप आएंगे तो काफ़ी चेंज दिखेगा बलिया, काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है। सो इसलिए मुझे जल्द लेके आना पड़ा ये ब्लॉग। तो चलिए सबसे पहले इधर दिखाता हूँ, फ्री का चाय पीते हैं। तो भाई, चाय का स्टॉक खत्म, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगा भाई, ठीक है, आइए आगे कवर करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस ब्लॉग में वही कवर करूंगा जो पिछले ब्लॉग में मैं मिस कर दिया था। सो देख सकते हैं, ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे पूरा पेड पार्किंग उधर भी है, तो ये सारा पार्किंग एरिया है। आपको आप गलती से भी वहाँ सामने अपना बाइक हो या कार पार्क नहीं करिएगा, नहीं तो तुरंत चालान कटेगा, फिर मत कहिएगा गलत आपने बताया नहीं था इस ब्लॉग में, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। सो आप लोग ये गलती ना कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से मैं थोड़ा अंदर से दिखा दूँगा आपको, ये पूरा पार्किंग एरिया है, और काफ़ी लोग पार्क करके गए हैं बिंदास, तो आप लोग भी पार्क कर सकते हैं, ठीक है, तो आइए फिर। सो है गाइस, फाइनली मैं एंट्री ले रहा हूँ स्टेशन के अंदर, और ये देख सकते हैं एक नया एंट्रेंस। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ आ गया, मतलब ये है, यस ये भी एक एंट्रेंस ही है साइड से। अगर आप लोग बाइक पार्क कर रहे हैं तो जस्ट आगे आएंगे 10 मीटर दूर, तो ये मिलेगा आपको एंट्रेंस। तो ये काफ़ी अभी बन रहा है, बहुत अच्छा व्यू देने की प्रयास किया गया है, बट थोड़ा सा दूर है और टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, आइए यहाँ से एंट्री लेते हैं आपको और दिखाते हैं बेहतरीन तरीके से पूरा। सो गाइस, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, और ये थोड़ा पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ भी एक व्यू दिया गया है फाउंटेन का, छोटा सा व्यू, और ऊपर स्ट्रीट लाइट। सो गाइस, अगर आप पिछला ब्लॉग देखेंगे तो हमने यहीं पर आके अपना ब्लॉग फिनिश किया था, पूरे प्लेटफार्म नंबर 1 को कवर करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आके ख़त्म किए थे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ले चलेंगे आपको प्लेटफार्म नंबर 4 पे, फुल डिटेल देने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। बट थोड़ा सा बैड लक रहेगा मेरा, ये एस्केलेटर थोड़ा बंद है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, चलिए इसी से चढ़ते हैं भाई, मज़े लेते हैं बंद होने का भी, तो ट्राई कर लेता हूँ यार। ये ऑन ऑफ करने का तो सिस्टम बंद है, बट ये बस स्टॉप कर सकते हैं, तो ये इसका काम ख़त्म है। चलिए भाई, पैदल ही जाना पड़ेगा, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे पैदल। तो ये है साइड में ही बना है इसका पूरा, तो आप इससे भी आ सकते हैं वो साइड वाले से। फाइनली पहुँच गए ऊपर। सो गाइस, एक ड्रोन टाइप का व्यू तो बनता है भाई, ये देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा बलिया का। पहले ये ख़त्म था, ये जस्ट उसके आगे ख़त्म था, कुछ नहीं था, बट अब देख सकते हैं कहाँ तक है, ये बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, और ये आगे का व्यू है, और हम हैं इस वक्त फ्लाई ओवर के ऊपर,
चलिए आपको ले चलते हैं फ्लाईओवर। क्या लगता है आपको, यहाँ पे एक और फ्लाईओवर की ज़रूरत है? हाँ भाई बिल्कुल है, चलिए जल्दी चलते हैं। सो गाइज यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जा सकते हैं इजीली, जहाँ अंकल जा रहे हैं, तो यहाँ से जाइए और आगे आप ले चलते हैं हम, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो कि अभी वो पेंडिंग में है। सो गाइज यहाँ पर न्यू लगा है डिजिटल बोर्ड प्लेटफॉर्म नंबर 10 नंबर 9 का सब कुछ बताने वाला, जो कि अभी कनेक्ट नहीं है, देख सकते हैं तार इसका लटक रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट है हॉस्पिटल का। और ये देखिए सबसे खास चीज़, मैं इस एरिया पे आके इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ नया मिलेगा कुछ दिन के बाद आप लोगों को। सो गाइज ये नीचे आप देख सकते हैं, ये देख के आपको क्या लग रहा है अभी कमेंट करिएगा, क्या लग रहा है आपको? चलिए आप लोग नहीं बता पाएंगे, मैं ही बता देता हूँ। तो गाइज ये है हमारा लिफ्ट, यस यहाँ से बन रहा है लिफ्ट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जस्ट ना ऊपर आने का, नीचे जाने का, तो बहुत ही शानदार रहेगा। सो गाइज एक व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे फुट स्टेप फ्लाईओवर, तो ये है, ये लेके आता है आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक। और यहाँ से हम जब आएंगे तो एक मिलेगा प्यारा सा लिफ्ट, जो कि अभी आधा अधूरा काम हुआ है इसका, ये थोड़ा सा उधर बढ़ा दिया गया है, देखिए तोड़ ताड़ के, ये देखिए कैसे बढ़ाया गया, आपको ले चलते हैं दिखाते हैं। पहले जो आ रहा था देखिए इस तरह से आ रहा था, बट इसको थोड़ा बहुत उस टाइप से उसको घुमा दिया गया है उधर तिरछा करके, बट ज़मीन तो ये रेलवे का ही होगा। और यहाँ बनने वाला है लिफ्ट, तो काफ़ी चर्चा हो गई लिफ्ट के बारे में, तो चलिए आपको आगे का अपडेट लेके चलते हैं, दिखाते हैं कुछ नया। सो गाइज आप देख सकते हैं जहाँ वो लास्ट में आपको पेंटिंग दिख रहा है वहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये जो बीच में है, तो बीच में जितना सब देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये दुकान के जो पीछे है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और इस साइड 3 है, और मैं हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जो कि अभी काफ़ी नॉर्मल सा यहाँ पे हमको व्यू मिल रहा है। और जो भी इसका वो है वहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग बोर्ड और उसका ट्रेन का अपडेट देने वाला डिजिटल जो बोर्ड लगा है वहाँ पे अपडेट हो रहा है, बट ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया खा रहा है, मतलब ये अभी नॉर्मल अभी काम चल रहा है, पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है इसका। तो चलिए ये आगे ये ट्रैक दिखाते हैं कहाँ जाके बंद हो रहा है और कैसे क्या खुल रहा है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 4 के मेन एंट्रेंस पर, ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है मेन एंट्रेंस, ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि ये आज से कुछ महीने बाद बनने वाला है, बहुत ही परफेक्ट एंट्रेंस है यहाँ पे महुआ मोड़ साइड से। आप जब भी आएंगे तो एंट्री तो इधर से ही लेना पड़ेगा आप लोगों को, अपने ब्लॉग में देखा होगा मैंने एंट्री लिया था जिस साइड से स्टेशन पर, तो थोड़ा सा यूनिक दिखा था, तो उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट बनेगा इधर, तो पूरा इधर देखिए सब काम आधा अधूरा हो गया है। चलिए थोड़ा सा इसका झलक दिखा देते हैं आप लोगों को। सो गाइज हम हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ये देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हैवी लेवल पे हुआ है। ये अभी देखिए पानी भी चू रहा है, पाइप थोड़ा लीक कर रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करेगी रेलवे अब वही जानती है भाई। तो आइए आपको थोड़ा आगे दिखाते हैं ये सब गड्ढे, और वहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। ये सब देख के क्या लग रहा है? ये देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे बनने वाला है परफेक्ट एंट्रेंस प्लेटफॉर्म नंबर, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए। और हमारा इधर से एंट्री होगा महुआ मोड़, मतलब ब्रिज के नीचे से जरूर आता है बांस डिजाइन के लिए महुआ मोड़, उस साइड से आप आ सकते हैं आराम से। एक तो उधर मेन जो आप फ्लैग देख रहे हैं तो उधर से आते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, लेकिन 4 पे आने के लिए सबसे मेन एंट्रेंस यही होगा हमारा महुआ मोड़। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट है हमारे लिए, मतलब किसी भी साइड से अगर हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आना है तुरंत हम इधर बाइक पार्क करेंगे सट से आ जाएंगे, तो परफेक्ट मिला हमें दो तरफ से एंट्री होने का रास्ता मिल गया एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो गाइस फाइनली चलते चलते हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 के एकदम से एंड में, और ये देख सकते हैं ये इसके आगे ये सब झाड़ियाँ हैं, और जो ट्रैक है ये कट जाता है आगे से वो ब्लॉक है, अगर आप गेम खेले होंगे क्या कहते हैं उसको यार सबवे सफ़र, तो उसमें आप ये आगे देख सकते हैं ब्लॉक रहता है तो जंप करके उड़ना होता है, सो वैसे ही टाइप का मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको आगे चल के। चलिए तो गाइस पिछले ब्लॉग में मैं वेट कर रहा था कि ट्रेन आएगी तो दिखाएंगे, बट इसमें आप देखिए फाइनली आ चुकी है ट्रेन बिहाइंड द सीन ऑफ बलिया स्टेशन डिपार्चर। कोई बता सकता है ये कौन सी ट्रेन है? ओनली लेजेंड कैन डू इट, दो मैं हिंट कर दे रहा हूँ वो, लेकिन वो बांग्ला में लिखा था आप लोग देख के भी नहीं बता सकते हैं। सो ये एक मोमेंट है भाई, वो देख सकते हैं वो नीचे बैठ के वो चेंज करने का जो जगह है वहाँ बैठ के बारीकी से देख रहे हैं बंदे, तो ये एक मोमेंट अच्छा है।
इस ब्लॉग के लिए। सो गाइस मैं इस वक्त चल रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक रूट, या ट्रेन के ट्रैक पर, ये देख सकते हैं। इस पर शायद ही कोई आता होगा, जो आता है वो ज़िंदगी से हाथ धो देता है, बट मैं एकदम से बिंदास हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है मौत का, ठीक है, क्योंकि फाइनली ये ट्रैक यहीं से फिनिश होता है, ब्लॉक होता है। और लेकिन अब कुछ दिन बाद ये खुलने वाला है। अगर आप पिछले ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता होगा कि एक ब्रिज बन रहा है ट्रैक। मैंने कटहल नाला में अपडेट कर दिया था आपको कि प्लेटफार्म नंबर 4 और मतलब 4 के लिए ही ट्रैक बनाया जा रहा है, तो ये यही से होके जाएगा, ये सीधा जाएगा कटहल नाला के ऊपर से चढ़ते हुए, और आगे जो भी आएगा वो तोड़ते हुए निकल जाएगा। सो फाइनली बहुत जल्द हमें मिलने वाला है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक हाँ, एक और बात, आप लोग अगर आइएगा बलिया स्टेशन पे, सबको मन करता है वीडियो शूट करने का, रील शूट करने का, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 1 पे थोड़ा सोच समझ के शूट करिएगा भाई, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज में है RPF के जवान वो आपको पकड़ सकते हैं। मुझे वार्निंग मिल चुका है पिछले ब्लॉग में ही, तो मैं आता हूँ तो परमिशन लेके आता हूँ ब्लॉग शूट करने। सो आप लोग एक ऐसा गलती मत करिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये मुझे इस वीडियो के शुरुआत में बताना चाहिए था बट भूल गया था, अब बता रहा हूँ।